हाय, आई एम वेदवीर सिंह चौधरी। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सर्किट ब्रेकर है। और ये जो सर्किट ब्रेकर है बेसिकली स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का पार्ट। स्विच गियर प्रोटेक्शन में स्विचेस, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर्स, रिले वगैरह आते हैं। और उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सर्किट ब्रेकर है बेसिकली। तो सर्किट ब्रेकर है क्या, फर्स्ट थिंग ये आती है। अभी जो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो सर्किट ब्रेकर का जो प्रिंसिपल है वो सिद्धांत पर कार्य करता है, किस तरीके से उसका वर्किंग है वो सारी चीज़ें करेंगे। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो है सर्किट ब्रेकर के जो टाइप हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो सर्किट ब्रेकर है क्या, सबसे पहला सवाल ये होता है। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो सर्किट को जो ओपन या क्लोज करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। अब ओपन या क्लोज करना, ये दो कंडीशंस हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल कंडीशन, एक एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जब मेंटेनेंस वगैरह का वर्क होता है तब इसको ओपन करना, और एबनॉर्मल यानी कि कोई फॉल्ट हो गया है उस कंडीशन में सर्किट को ओपन करना। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से करंट का चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है 220 kV, रिसीविंग एंड वोल्टेज है 215 kV। अब ये जो 5 kV का जो डिफरेंस है, बेसिकली मान लो कि इसमें लॉसेस वगैरह के कारण जो है ऐसा लॉस हो गया, मैंने पूरा का पूरा एज्यूम किया है। जो इसमें इम्पीडेंस है, ये लाइन का सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, और ये जो लाइन का इम्पीडेंस है दैट इज़ 100 ओम, मैंने सारा का सारा एज्यूम किया है। अगर ये सारा चीज़ मैंने एज्यूम किया है तो अभी मान के कि ये नॉर्मल कंडीशन है, इस नॉर्मल कंडीशन में जो करंट निकालूंगा मैं दैट इज़ सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड अपॉन इम्पीडेंस। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, आर यहाँ पे जेड है दैट इज़ 100 ओम, वो ये पुट कर दिया मैंने। V1 यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो 220 है, V2 215 है, देन ये आ गया फाइनली 5। और ये जो 10^3 लगाया हुआ है ये इस किलो को शो कर रहा है, 220 kV लिखा हुआ है, तो किलो का मतलब होता है 10^3। तो यहाँ से जो करंट निकल के आया अभी दैट इज़ 50 एम्पियर। तो ये जो 50 एम्पियर करंट है ये नॉर्मल कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट से वो है। अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन लेके देखते हैं, ये मैं कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, सेकंड कंडीशन में मान लो कि फॉल्ट की कंडीशन, फॉल्ट की कंडीशन में ऐसा हुआ है कि अर्थ फॉल्ट है, सब कुछ एज्यूम करके कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को। तो अर्थ फॉल्ट है, मान लो यहाँ पे ये अर्थ फॉल्ट हुआ है, ये अर्थ फॉल्ट का साइन है। अर्थ फॉल्ट होने पे ये जो करंट है यहाँ सेंडिंग वोल्टेज से जो करंट जा रहा है वो सारा का सारा करंट वो अर्थ की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट यहाँ पे जो अर्थ फॉल्ट हुआ है उस कारण से यहाँ पे उसको लो रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया है। जैसे उसको लो रेजिस्टेंस का पाथ मिला है तो करंट यहाँ ना जाके ये सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। जब यहाँ करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पे हो गया आपका वोल्टेज 0, सेंडिंग एंड वोल्टेज पे जो आपका पहले का जो वोल्टेज है वो का वही बना रहेगा। अब यहाँ पे करंट कैलकुलेट करके देखते हैं फॉल्ट कंडीशन में करंट क्या आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में करंट अगर मैं कैलकुलेट किया तो सेंडिंग एंड वोल्टेज पे सेम पहले की तरह ही 220, रिसीविंग एंड पे अभी 0 हो चुका है। इम्पीडेंस, लाइन का इम्पीडेंस जो है मैंने पहले पूरी लाइन का इम्पीडेंस मैंने 100 एज्यूम किया था, मान लो यहाँ तक या फॉल्ट इस जगह पर हुआ है तो इस वायर का इम्पीडेंस मान लो 10 ओम है। ये पूरे का 100 था और यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका 10 है। जब इसका 10 इस तरीके से मैंने एज्यूम किया तो यहाँ पर जो करंट निकल के आया वो है 2200 एम्पियर। यानी कि पहले जो करंट आया था वो नॉर्मल कंडीशन में वो करंट था 50 एम्पियर। अभी जो करंट आ रहा है फॉल्ट कंडीशन में वो आ रहा है 2200 एम्पियर। यानी कि फॉल्ट कंडीशन में जो करंट है, जस्ट हमने एक एग्जांपल लेके देखा तो पता चला कि ये 4 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि फॉल्ट की कंडीशन में करंट जब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो भी इक्विपमेंट्स हमारे लाइन पे लगे हुए हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज पे, सेंडिंग एंड पे जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो कोई सभी इक्विपमेंट जल सकता है। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों से प्रिकॉशन करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर कैसे अब काम करेगा वो देखते हैं। ड्यूरिंग फॉल्ट आई बिकम वेरी हाई, आपने देखा कि पहले 50 था तो अभी 2200 हो गया,
ठीक है, देयरफॉर टू मेक आई इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उस फॉल्ट करंट को, ये जो अभी जो पहले नॉर्मल करंट था, अभी जो फॉल्ट करंट है, उसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को ओपन करना पड़ेगा। उस लाइन को ओपन करने के लिए जो स्विच यूज़ होगा उसको हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी डिवाइस और होती है आइसोलेटर, ठीक है, और ये पहला जो हमने अभी डिस्कस किया वो सर्किट ब्रेकर है। दोनों में जो डिफरेंस है ये है कि आइसोलेटर तो नो लोड कंडीशन में वर्क करता है और सर्किट ब्रेकर लोडेड कंडीशन में यूज़ किया जाता है। सर्किट ब्रेकर एज सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नाउ आई इज इक्वल्स टू जीरो, नो लोड कंडीशन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू जीरो हो चुका है। बट लोड का मतलब करंट होता है, जब आई इक्वल्स टू जीरो मतलब लोड नहीं है, लोड अब खत्म हो चुका है, जब लोड नहीं होता है तो आई इक्वल्स टू जीरो होता है बेसिकली, ठीक है। बट बाई प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल देयर इज चार्ज, सो नाउ आइसोलेटर शुड बी ऑपरेटेड, यानी कि अब नो लोड हो चुका है तो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है आइसोलेटर को ओपन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइन है, अगर आपने सीबी को ओपन भी कर दिया तो भी उसके ऊपर चार्ज रह जाता है, तो उस चार्ज को एक तरीके से ज़ीरो करने के लिए हमने जो है आइसोलेटर को ज़ीरो करने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको आइसोलेट कर देते हैं। और एक चीज़ और होती है, आइसोलेट करने के बाद फिर एक डिस्चार्ज रॉड भी लगाई जाती है। जस्ट मैं एक रेलवे का एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सब स्टेशन है, सब स्टेशन से ट्रैक है और रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के ऊपर जो आपका हाई वोल्टेज है 2500 वोल्टेज का जो है लाइन होती है, 25 kV जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे जैसे कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सीबी या जिसको वहाँ पे हम बीएम बोलते हैं, ठीक है, ब्रेकर फॉर मेंस, तो ब्रेकर फॉर मेंस को सबसे पहले जो ऑपरेटर है, जो आपका कंट्रोल रूम में बैठा है, वो ऑपरेटर वहाँ से उसको जो अपना जो भी है स्काडा सिस्टम होता है पूरा का पूरा, उस स्काडा सिस्टम के थ्रू वहाँ से जो है कमांड उसके हाथ में होती है और वो वहाँ से उसको ओपन कर देगा, बीएम को ओपन करना यानी कि उसको आइसोलेट कर देगा। उसके बाद वहाँ पे जो आपका आइसोलेटर है उस लोकेशन पे जहाँ पे कि आपको मेंटेनेंस करने जाना है, ठीक है, वहाँ से बीएम ओपन हो चुका है, वो कंफर्म कर लेगा फ़ोन वगैरह के थ्रू। उसके बाद वहाँ पे जो आइसोलेटर है फिर वो उस आइसोलेटर को ओपन करता है, एक हैंडल टाइप से होता है, मैं उसका फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो है आपका सर्किट ब्रेकर जिसको कि बीएम भी बोलते हैं रेलवेज में, और ये है बेसिकली आपका आइसोलेटर। तो आइसोलेटर का एक ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, एक ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ये मूवेबल पार्ट हो गया बेसिकली, तो ये इधर आ जाएगा, ये उस साइड में चला जाएगा, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स है, इसको कम्प्लीटली आइसोलेट कर देगा, ये आइसोलेटर हो गया। और जो तीसरा चीज़ मैंने बोला था कि जब आपने आइसोलेटर को भी ओपन कर दिया, उसके बाद फिर ये जो डिस्चार्ज रॉड जो है लगाई जाती है, मान लो वायर है, इस वायर पे ये डिस्चार्ज रॉड, ये पूरा हाथ से पकड़ के इस तरीके से यहाँ लटका दिया जाता है, और ये जो वायर है जो यहाँ से सीधा का सीधा ये इस तरीके से आपको दिखा रखा है, ये बेसिकली ज़मीन से टच कर देंगे हम इसको, ज़मीन या अर्थ से टच कर दिया जाएगा, तो जो भी उस वायर में चार्ज था वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और डिस्चार्ज रॉड। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। फर्स्टली सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट ड्यू टू दैट करंट विल बी जीरो इन लाइन, बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस कैपेसिटर डेवलप बिटवीन लाइन एंड अर्थ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपने सर्किट ब्रेकर को जब ओपन कर दिया है, जो आपकी लाइन है उसमें चार्ज रह जाता है, उस चार्ज का जो कारण जो है यहाँ पे बता रखा है मैंने कि यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ और इस लाइन के बीच में,
जो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस लाइन है और ये अर्थ है, इन दोनों के बीच में चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज डेवलप होने का मतलब कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है और उस कैपेसिटेंस डेवलप होने का मतलब कैपेसिटर कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करता है, तो ये चार्ज स्टोर हो जाता है। तो ये जब आपने इसको सी बी को यहाँ से ओपन कर दिया, यहाँ से सप्लाई आ रही है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर करंट रह जाता है। तो इस करंट को चार्ज रह जाता है, इस चार्ज को नील करने के लिए बेसिकली यहाँ से मैंने आइसोलेटर को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुका है। ये आप देख रहे हो यहाँ से भी ग्राउंड हो चुकी है, यहाँ से भी ये ग्राउंड हो चुका है पूरा का पूरा। नाउ दिस लाइन इज ग्राउंडेड बाय दिस कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज, ठीक है। ग्राउंड होने का मतलब सारा का सा ये अर्थ हो गया, यहाँ पे भी अर्थ हो गया, जो कैपेसिटर का पूरा चार्ज था वो सारा का सारा इसमें चला जाएगा, ये इधर इसमें चला जाएगा, ये पूरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सर्किट ब्रेकर में जो ऑपरेशन है उसमें किस किस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर के बेसिकली दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक तो फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट। फिक्स्ड यानी कि वो अपने फिक्स ही रहेगा, जब आप ओपन करेंगे तो सिर्फ मूविंग एक कॉन्टैक्ट उसका मूव करेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये इसका फिक्स कॉन्टैक्ट था, तो फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। जब इसका ऑपरेशन हमने कराया, जब इसको ओपन करवाया, फॉल्ट इधर हुआ, तो ये जब मूव होगा तो यहाँ पे तो आ गया 0 वोल्ट, क्योंकि सप्लाई तो इस साइड में, और यहाँ पे 220 बना रहेगा। अब यहाँ दिक्कतें कौन कौन सी आती हैं वो देखते हैं। एयर प्रेशर बिटवीन कॉन्टैक्ट इज आयोनाइज्ड, एयर प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्टैक्ट इज आयोनाइज्ड ड्यू टू हाई वोल्टेज। जब ये 220 kV बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और यहाँ पे जो एयर है, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, गैप कम ही है, तो ये जो एयर है यहाँ पे आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज कहने का मतलब होता है कि मान लो ये वायर है, वायर के अगर हाई करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक फ्लक्स का पाथ बनता है। उस वो पाथ बनने के कारण क्या होता है, इसके चारों तरफ की जो एयर है वो भी चार्ज हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 220 kV है, तो इसके कारण से ये जो एयर पार्टिकल्स हैं ये भी आयोनाइज हो जाते हैं इस हाई वोल्टेज के कारण। दूसरी जो दिक्कत है यहाँ पे, एज हाई करंट कैरिंग लाइन इज ओपन, आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। जब उस कॉन्टैक्ट ओपन किया जाता है उसी मोमेंट पे जो है वहाँ आर्क का बोले तो चिंगारी उस टाइप से बन जाती है, वो आयोनाइज एयर के कारण, ठीक है। फॉल्ट करंट फाइंड ए पाथ थ्रू आयोनाइज एयर, ये जो आयोनाइज एयर है इसके थ्रू, ये जो हमने इसको ओपन किया था लेकिन ये कम्प्लीटली ओपन नहीं हो पाता, जो यहाँ से करंट जा रहा है ये पूरा का पूरा ब्रेक नहीं हो पाता, तो भी करंट जो है थोड़ा बहुत पास हो जाता है। अब बेसिकली जो डिस्कस किया उसमें दो चीज़ें निकल के आई, जो सर्किट ब्रेकर में जो दिक्कत आई, दो तरह की दिक्कत आई, एक तो आयोनाइजेशन की दिक्कत आई और दूसरी आर्किंग की दिक्कत आई है। अब इन दिक्कतों के बारे में आगे हम बात करते हैं। पहले एक प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, एनर्जी बैलेंस थ्योरी क्या कहती है। मान लो, क्योंकि एनर्जी बैलेंस थ्योरी को जो मैं बेसिक यहाँ बीच में समझा रहा हूँ वो इसलिए कि आपको आर्क क्वेंचिंग किस तरीके से की जाती है वो इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लो ये टैंक है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, यहाँ से जो भी है इसमें पानी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। अब जो है टैंक को खाली करने के लिए कंडीशन क्या होगी, जब यहाँ से जो आउटलेट है यहाँ से जब पानी निकले, मान लो यहाँ से जब 2 लीटर पर आवर निकल रहा है और यहाँ से जो इन हो रहा है आपका 3 लीटर पर आवर हो रहा है, तो ये कभी खाली नहीं हो पाएगा। ये खाली तभी हो पाएगा जब यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, यानी कि जो पानी बाहर निकल रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू जो इस टैंक के अंदर पानी आ रहा है। अब इसी फंडे को लेते हुए हम यहाँ पे देखते हैं आर्क के बारे में। टैंक विल एम्प्टी इफ बोथ वाल्व ओपन, रेट ऑफ लीविंग इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एंटरिंग। अगर ऐसा होता है तो इस टैंक को जो है खाली हो पाएगा। तो पावर रिसीव्ड बाय आर्क, दैट इज वी
मल्टीप्लाई बाई फॉल्ट करंट, पावर लॉस्ट बाई आर, आई स्क्वायर आर से निकलेगा ये, ठीक है। और ये हो गया पी, ये जो अंदर आ रही है, ये जो बाहर जा रही है। बेसिकली इसका बाहर जाने का मतलब हुआ ये जो पावर है ये लॉस हो रही है, किस में, हीट की फॉर्म में बाहर निकल रही है, हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है, ठीक है। अगर हीट की फॉर्म में जो लॉस हो रही है अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो है आर्क जो है एलिमिनेट हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। ये एक ध्यान रख लेना, ठीक है, कि आर्क जो है कम्प्लीट रेजिस्टिव होता है, जो कम्प्लीट रेजिस्टिव होगा तो उसका पावर फैक्टर 1 होगा। अब यहाँ पे जो हमने देखा था कि P2 जो है जो कि हम कह रहे हैं आर्क क्वेंचिंग के लिए क्या ज़रूरी है, आर्क क्वेंचिंग यानी आर्क को ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरी है कि P2 जो है P1 से ज़्यादा होना चाहिए तभी आर्क ख़त्म हो पाएगा। तो P2 में क्या आ रहा है, आई स्क्वायर आर, जो आर जो है ये आर्क का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर IF जो फॉल्ट करंट है वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वोल्टेज जो है वो फिक्स है, वो 220 है ये इधर से, यानी कि ये भी चेंज नहीं हो रहा है और ये भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या किया जा सकता है यहाँ पे, इस आर्क के रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज कर दें तो ये इस आर्क को यहाँ से कम्प्लीटली ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, इसको अगर मैं यहाँ से आर्क के जो रेजिस्टेंस को अगर मैं इनक्रीज़ कर दूँ, अगर मैंने इसको इनक्रीज़ किया तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और किससे, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो जो आपका आर कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम आगे इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे इसके आर्क के रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है और इसका जो है आर्क क्वेंचिंग की जा सकती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, इसमें ओएल सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो जाएगा, तीसरा SF6 सर्किट ब्रेकर और चौथा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। ये जो नाम इसके दिए गए हैं बेसिकली इनका जो ये दो कॉन्टैक्ट जो मैंने बताए थे, एक फिक्स कॉन्टैक्ट और एक मूविंग कॉन्टैक्ट, इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में इस आर्क को हटाने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे ये नाम दिए गए। ऑयल यानी कि इस आर्क को यहाँ से हटा के क्या बीच में ऑयल आ जाएगा। एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट का मतलब हुआ कि यहाँ बहुत ही हाई प्रेशर की जो एयर, अगर मैं यहाँ से हायर प्रेशर की एयर का इधर से फ्लो करूँ तो ये आर्क जो है जो आयनाइज पार्टिकल हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे। तीसरा मैंने बताया यहाँ पे SF6, तो यहाँ पे SF6 के जो गैस का चैम्बर होता है उससे जो SF6 इधर फ्लो करवाई जाती है। चौथा होता है वैक्यूम, यानी कि ये जो दोनों कॉन्टेक्ट्स हैं इनको कम्प्लीटली वैक्यूम में रखा जाता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो है कॉमर्शियल लेवल पर बात करूँ तो एट प्रेजेंट जो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर ही यूज़ किए जा रहे हैं। वैक्यूम जो है कम्प्लीटली ऑडिटेड हो गया अभी तो, और अभी एट प्रेजेंट अगर रेलवे में बात करूँ तो मोस्टली SF6 यूज़ हो रहा है, या आप हायर वोल्टेज पे जाओगे तो SF6 ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसके टाइप हो गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप इनका सिक्वेंस बताइए कि कौन सा किस रेंज में काम करता है। तो ये वैक्यूम जो आउटडेटेड हो चुका है वो सबसे कम रेंज में काम करता है, SF6 जो है आपका 200-400 से भी ऊपर काम करता है। तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, दो आपको याद रह जाएंगे। अब उसके बाद आती है ऑयल और एयर ब्लास्ट, तो एयर ब्लास्ट की रेंज ऑयल से भी ज़्यादा है। थैंक यू। इस लेक्चर में मैंने सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में बात करी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूँगा।